हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जेबीटी टैट का इंग्लिश पोर्शन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने साइकोलॉजी, जीके एंड हिंदी के पोर्शंस कवर कर लिए थे, तो उनको उनकी वीडियोस को आप देख सकते हो चैनल पे जाके। ओके, इस वीडियो में हम इंग्लिश पोर्शन के 30 क्वेश्चन करेंगे अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश पोर्शन का, क्वेश्चन नंबर 31। चूज करेक्ट सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनस। इग्नोमिनस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका जो सिनोनिम होगा, सिमिलर वर्ड होगा, वो भी नेगेटिव ही होगा। ओके, तो रिस्पेक्टफुल, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, वेल्दी, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। हमारे पास एक ही यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, डिसग्रेसफुल। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका सिनोनिम, डिसग्रेसफुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 32वां क्वेश्चन है कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का सिमिलर वर्ड, सिनोनिम होगा डिवास्टेटिंग। ओके, डिवास्टेटिंग ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का सिमिलर वर्ड होगा, सिनोनियम, इको फ्रेंडली। ओके, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल। ओके, ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा, इको फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 to 35 पूछा है यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन टू मेक द सेंटेंस अ मीनिंगफुल वन। ओके, तो पहला दिया गया क्वेश्चन नंबर 34th, दे केम, फिलिंग द ब्लैंक्स, अ टैक्सी। दे केम इन अ टैक्सी। ओके, दे केम इन अ टैक्सी। अब टैक्सी जैसे अब छोटा व्हीकल है, तो उनके साथ इन लगता है। ओके, दे केम इन अ टैक्सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ही इज फॉन्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, टी। फॉन्ड, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। ओके, फॉन्ड ऑफ, हमेशा फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 में यहाँ बोला है करेक्ट, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल वन। ओके, तो पहला है माय कॉलेज इज फर्दर देन हर, हर्स, या एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, या नन ऑफ द अबव। तो माय कॉलेज इज फर्दर देन हर्स। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पे लगेगा पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन है ये, प्रोसेसिव प्रोनाउन। ओके, 37, क्वेश्चन नंबर 37 में है ही, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेड सो। ही, हिज सेल्फ, हिमसेल्फ, या हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हिमसेल्फ, या देमसेल्फ। ही हिमसेल्फ सेड नो। ओके, ही हिमसेल्फ सेड नो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है चेंज द वॉइस। ओके, 38 और 39 में चेंज द वॉइस। क्वेश्चन नंबर 38 है हु टॉट यू फ्रेंच, हु टॉट यू फ्रेंच। तो इसका जो वॉइस चेंज करेंगे, हु का हो जाएगा बाय हुम, वॉज, बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। ओके, देखिए इज तो नहीं आएगा, तो ये तो हट जाएगा, एंड फोर्थ में भी देखें तो यहाँ भी इज लगाया, तो ये भी हट जाएगा, सिंपली वॉज ही आएगा, और वॉज। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है दे मेड हिम अ किंग, दे मेड हिम अ किंग। तो हिम से शुरू करेंगे, तो हिम का हो जाएगा ही, मेड है तो यानी पास्ट में है, वॉज आएगा, ही वॉज मेड अ किंग, ही वॉज मेड अ किंग बाय दे का देम। ओके, देम, ही वॉज मेड अ किंग बाय देम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ही वॉज मेड किंग बाय देम। देखो यहाँ पे ए मिसिंग है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्यूक इज, फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्यूक इज, तो इसका जेंडर चेंज हो जाएगा फेमिनिन में, डचिस। ओके, डचिस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डी ओ सी एच ई डबल एस। क्वेश्चन नंबर 41 है द एडजेक्टिव ऑफ होल इज, एडजेक्टिव बताना है होल का, होलसम, होली, कंप्लीट, या ऑल। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, ऑल। क्वेश्चन नंबर 42 है द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिट इज, तो स्पीट की जो पास्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी स्पैट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्पैट। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आई, फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश फॉर 5 years, आई स्टडी, आई एम स्टडिंग, तो यहाँ पे फॉर है तो आई एम स्टडिंग तो नहीं आएगा, आई हैव बीन स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, तो ये तो नहीं होगा, तो बचता है ऑप्शन सी, आई हैव बीन स्टडिंग
इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44th है, द अर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ बोला गया है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45 to 47, पिकअप द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 45 है ग्रेवेंस, ये स्पेलिंग ऐसा लग रहा है कि पहले भी एग्जामिनेशन में पूछी गई है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगा ऑप्शन नंबर सी में, जो है सी जी ग्रेवेंस में GRIEVANCES। ओके, ग्रेवेंस ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका मतलब होता है शिकायत। ओके, शिकायत। नेक्स्ट है अबेंस, अबेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग हो ABEY, यहाँ पे ए आएगा। ओके, ABEY EY ANCE। ओके, ऑप्शन डी अबेंस, अबेंस होता है अनदेखी करना। ओके, अनदेखी। क्वेश्चन नंबर 47 है एस्ट्रोनॉट। ओके, एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग होती है ASTRONAUT। ओके, ASTRONAUT, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, आई फिलिंग द ब्लैंक्स स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। ओके, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, आई फेल्ट इट, आई फेल्ट बारिश हो सकती है, आई फेल्ट इट माइट, आई फेल्ट इट माइट रेन। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माइट। क्वेश्चन नंबर 50 to 51, यहाँ वो लगा है कलेक्टिव 9 नाउन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सिलेक्ट करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स, कैटल ऑफ, कैटल इज पासिंग। अब कैटल के साथ लगता है अ हर्ड। ओके, अ हर्ड ऑफ कैटल। ओके, एक मवेशियों का समूह। ओके, अ हर्ड ऑफ कैटल। ओके, कैटल के साथ हर्ड लगता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है अ फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल। ओके, क्राउड होता है लोगों का, अ क्राउड ऑफ पीपल, ये तो है पहले से क्राउड। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्राउड। क्वेश्चन नंबर 52nd है, 52वां क्वेश्चन बोला है द प्लूरल प्लूरल ऑफ शिप, शिप का प्लूरल शिप ही रहेगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिप। क्वेश्चन नंबर 53, द प्लूरल ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। एनालिसिस की जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा एनालिसिस। ओके, एनालिसिस SES हो जाएगा इसमें। ओके, ANALYSES, आई हटके ई। क्वेश्चन नंबर 54th है एडवर्ब फॉर्म ऑफ थ्रेटनिंग, देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है थ्रेटनिंग का, थ्रेटनिंग का एडवर्ब होगा थ्रेटनिंगली। ओके, थ्रेटनिंगली। ओके, थ्रेटनिंगली, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55th है, 55वां क्वेश्चन है एडवर्ब फ्रॉम द एडवर्ब फॉर्म ऑफ, एडवर्ब फॉर्म ऑफ इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट की एडवर्ब फॉर्म होगा इंडिग्नेंटली। ओके, एडवर्ब फॉर्म बनेगी इसकी इंडिग्नेंटली, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, कॉपर इज फिलिंग द ब्लैंक्स यूजफुल मेटल, कॉपर, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ओके, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, ऑप्शन बी, ए बी करेक्ट होगा इसमें, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। क्वेश्चन नंबर 57, लुक फिलिंग द ब्लैंक्स यू लीप, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यू लीप। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आफ्टर, लुक आफ्टर। और क्वेश्चन नंबर 58 था, क्वेश्चन नंबर 58 था द करेक्ट फेमिनिन जेंडर फॉर बैचलर, बैचलर का जो फेमिनिन जेंडर बनेगा बैचलरेट। ओके, बैचलरेट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 और 60 में इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। ओके, पहली है क्वेश्चन नंबर 59, हु सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, हु सेड टू का हो जाएगा हु आस्क्ड, हु आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, यानी व्हाट यू आई वाज डूइंग। ओके, व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड, शाउटेड एट, ओके एट आएगा, ही शाउटेड एट देम
टू लेट हिम गो, ओके ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, तो ये होता है इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट, 30 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, अदर पोर्शन देखने के लिए आपको वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे साइकोलॉजी और एचपी जीके पोर्शन और हिंदी सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।